महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पिछले दिनों जमकर हिंसा हुई, जिसके बाद पुलिस ने 36 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही 4 नाबालिगों को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में सुनवाई करवा के जुवेनाइल होम भेज दिया। दरअसल कोल्हापुर हिंसा के पीछे की वजह एक व्हाट्सएप स्टेटस है। किसी व्यक्ति ने औरंगजेब और टीपू सुल्तान के महिमा मंडन में स्टोरी लगाई थी, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद कई हिंदू संगठनों ने आक्रोश में आकर एक विशेष समुदाय के लोगों पर पत्थरबाजी की और उनकी दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद विरोध हुआ और हिंसा का रूप ले लिया। आपको बता दें, इस हिंसा के बाद महाराष्ट्र के कोल्हापुर में धारा 144 लगा दी गई है, साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है ताकि कोई और गलत अफवाह फैलने पाए। तो वहीं अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के धुले जिले में अवैध रूप से बनाए गए टीपू सुल्तान के स्मारक पर प्रशासन का बुलडोजर चला दिया गया है। जानकारी के मुताबिक धुले में 100 फीट रोड के बीचों बीच बनी टीपू सुल्तान के स्मारक को AIMIM के विधायक फारूख अनवर शाह ने बनवाया था, जिसे प्रशासन ने ढहा दिया है। आपको बता दें, धुले के भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा ने टीपू सुल्तान के स्मारक को हटाने की मांग की थी और गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत की थी। साथ ही राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी पत्र लिखा था। इस मामले की शिकायत के बाद अधिकारियों ने निर्देश दिए और टीपू सुल्तान के स्मारक को गिरा दिया। तो वहीं अब अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणे ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि ये महाराष्ट्र की धरती छत्रपति शिवाजी की है, यहाँ पर औरंगजेब की फोटो को लेकर नाचने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि वो सरकार से भी विनती करती हैं कि वो इस मामले की जांच करवाएं और इसके पीछे जो भी मास्टरमाइंड है उसे सामने लेकर आएं। आपको बता दें, कोल्हापुर में हुई हिंसा के बाद सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। कई राजनीतिक दल एक दूसरे पर इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है।